हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं पनीर खाने के फायदे के बारे में, साथ साथ हम ये भी बात बताएंगे आपको कच्चे पनीर खाने से और सब पके हुए यानी कि सब्जी के में पनीर में खाने के फायदे के बारे में भी बताएंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में। जो लोग गर्भवती महिलाएं कच्चे पनीर का सेवन करती हैं उनका बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त बनता है, साथ साथ उनके बच्चे के चेहरे में निखार आता है। प्लस जो बच्चे जो गर्भवती के समय जो है पनीर खा की ज़्यादा सेवन करने से बच्चा तंदुरुस्त तो होता ही, साथ साथ जो है उसका चेहरा का निखार भी ज़्यादा होता है यानी कि वो गोरा पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पनीर खाने वाले लोगों जो है लोगों को रोग जल्दी नहीं पकड़ते हैं क्योंकि इसमें जो है विटामिन मिनरल्स और होते हैं, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये पसंद भी आता है, खाने में भी टेस्टी होता है। और अगर इसका सही तरीका ये है कि अगर आप सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद नहाने के बाद अगर आप नन्हे मुंह नाश्ते से पहले अगर आप इसको रोज़ाना 200 ग्राम या 300 ग्राम अगर आप कच्चा पनीर खाते हैं प्याज के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फलदायक होता है और ये अमृत के समान है। साथ साथ जो लोग मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करते हैं या मॉर्निंग में जिम जाते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो उनके लिए जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि जैसे वो रनिंग करके आते हैं तो ये जो उनके शरीर को प्रोटीन और मिनरल्स विटामिन चाहिए होती हैं, जो भरपाई शरीर को चाहिए होती है, तो पनीर उसको बखूबी तौर से पूरा कर देता है। तो पनीर खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, साथ साथ जो है कच्चा पनीर अगर आप खाते हैं तो इसका असर आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पड़ता है यानी कि अगर आप कच्चा पनीर रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद अगर आप खाते हैं डेली तो इससे आपके नसों में जान आती है और साथ साथ आपके शरीर की जो नसें होती हैं वो उनमें काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, साथ साथ जो है आपके शरीर भी मजबूत होता है और ये आपके शरीर में जो है फैट को नहीं बढ़ाता है लेकिन आपके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बढ़ाता है और आपके हेल्दी और तंदुरुस्त रखता है। तो जो लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं और या रनिंग करते हैं तो मैं उनको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप जो है एक्सरसाइज करने के बाद पनीर का सेवन ज़रूर करें जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद जो शरीर को जैसे आपके शरीर की भरपाई है, जो आपकी एनर्जी निकल चुकी है वो आपके पास वापस लौट आ सके जिससे कि आप आगे के अन्य काम कर सकें। पनीर खाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है या घुटनों में पेन होता है, पनीर उनके घुटनों के पेन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है और पनीर खाने वाले व्यक्ति को पनीर खाने वाले व्यक्तियों की हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है जिसकी वजह से उनको पेन जल्दी नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उनको पनीर खाना ज़रूर चाहिए जिससे कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सके और उनके में दर्द जल्दी ना हो सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टोमच यानी कि पेट अगर जो गर्भ अवस्था महिलाएं होती हैं उनको पनीर खान रोज़ाना नियंत्रित खाना चाहिए जिसकी वजह से उनके जो बेबी हैं वो काफ़ी हेल्दी हो सकें। तो ये फ़ायदे थे जिसकी वजह से पनीर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पनीर ज़रूर खाएं जिससे कि आप जो है अपनी बॉडी और मसल्स को भी आप ग्रो करने में भी काफ़ी असरदार हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन फॉर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।